भारतीयों को गरीबी रेखा से बाहर निकालने के लिए 10 वर्षों में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जो गरीब कल्याण योजनाओं का जो बौछार किया, इससे 10 करोड़ भारतीयों को गरीबी रेखा से निकाला गया है। भारत विश्व की पांचवी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था में ले जाने के लिए नरेंद्र मोदी जी ने 10 वर्षों का जो कार्यकाल जो उनका रहा, काफ़ी सराहनीय रहा। और सबसे बड़ा जो धारा 370 हटने के बाद भी आज पूरे देश में शांति व्यवस्था रहा है, इसके लिए सबसे बड़ा योगदान आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का है। उसके साथ साथ भगवान श्री राम जी के प्राण प्रतिष्ठा जो आज लंबे संघर्ष से 500 वर्षों के संघर्ष के बाद यदि किसी ने हिम्मत किया और नरेंद्र मोदी जी का दृढ़ इच्छा शक्ति के चलते आज हम लोगों के यहाँ रामलला मूर्ति का स्थापना हुआ। उसके साथ साथ चंद्रयान 3 के साथ दक्षिण चंद्र ध्रुव पर पहुँचे चंद्रयान भी उतारने का यदि भारत ने अपना कीर्तिमान हासिल किया है तो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हुआ। इसके साथ साथ प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत 80 करोड़ जनता को, गरीब जनता को जो कोरोना काल में भी जो जिनको अनाज उपलब्ध कराया गया वह नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हुआ। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 4 करोड़ लोगों को पक्का मकान दिया गया। जल जीवन मिशन के तहत 14 करोड़ से अधिक घरों का में शुद्ध पेयजल पहुंचाया गया। मैं इसलिए तमाम कोडरमा और गिरिडीह साहब सभी जनता को मैं अपनी ओर से हार्दिक बधाई देता हूं। और उसके साथ साथ आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा हम लोग मिलकर नितिन गडकरी जी से मिलकर गिरिडीह में बाईपास जो यहाँ के लोगों के लिए सबसे बड़ा डिमांड था गिरिडीह शहरवासियों के लिए, और उसके साथ साथ पूरे झारखंड में गिरिडीह शहर को सोलर सिटी के रूप में सहमति दिया है, तो इसके लिए मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी को, भारत सरकार को मैं तहे दिल से बधाई देता हूँ। उसके साथ साथ हमारे बीच में आए हुए सभी लोगों को और कई शहरों में मेट्रो सिटी भी बनाया गया, हवाई अड्डों की संख्या में भी दुगुना हुआ। मैं पुनः आप सभी लोगों से ही आग्रह करूंगा कि 20 तारीख को कोडरमा लोकसभा क्षेत्र में आदरणीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी को कमल फूल छाप में वोट देकर जिताइए, और 25 तारीख को गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र में जो NDA प्रत्याशी के रूप में मुझे बनाया गया है, मैं पुनः आप लोगों से आग्रह करता हूं कि EVM में 2 नंबर पर हमारा चुनाव निशान केला छाप है। उसके साथ साथ दिलीप वर्मा जी को गांडे विधानसभा में कमल फूल छाप में जो EVM नंबर 2 में है उनको विजय बनावे। इसी के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। भारत माता की, भारत माता की, अब की बार फिर एक बार धन्यवाद। बायोम मेडिकल प्रिपरेशन का एकमात्र संस्थान जहां है कंप्लीट डिजिटल क्लासरूम्स, इंडिविजुअल डाउट काउंटर्स, वीडियो लेक्चर्स, स्टूडेंट ट्रैकिंग सिस्टम, लाइब्रेरी फैसिलिटी, 100% रिजल्ट ओरिएंटेड रैंकर्स बैच, स्टडी पैकेज एंड क्लास नोट्स इन PDF। झारखंड के इतिहास में पहली बार NEET UG में 700 मार्क्स पार, 10th पास स्टूडेंट्स के लिए फाउंडेशन कोर्स और 11th पास स्टूडेंट के लिए फ्रेशर कोर्स, 12th पास स्टूडेंट्स के लिए टारगेट कोर्स 18 अप्रैल से शुरू हो रहे हैं। कॉन्टैक्ट बायोम। Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in